वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। केमिस्ट्री के अंदर फोर्थ पार्ट में अभी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, है ना। हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देख लिया है अर्लियर। सबसे पहले जब फिनॉल का प्रिपरेशन हुआ था दोस्तों, तो ऐसे कोई केमिकल प्रोसेस करके उसको आइसोलेट नहीं किया गया था, लेकिन ज़मीन में से जो हमें ऑयल्स मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, उसमें से पेट्रोलियम को सेपरेट करने के बाद जो टार मिल जाता है, वो टार में से, कोल टार में से सबसे पहले फिनॉल गेन किया गया था दोस्तों। कॉमर्शियली उसका प्रिपरेशन जो होता है वो लेबोरेटरी के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक डेरिवेटिव के डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन को यूज़ कर करके हम बनाते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमारा जो प्रिपरेशन है वो अकॉर्डिंग टू डैट उसके डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग ही होगा। इसीलिए सबसे पहले हम दे रहे हैं आपको नंबर वन, फ्रॉम हेलो एरिन दोस्तों। ये हेलो एरिन जो है उसमें से हमें ये मिल जाता है, और आपने भी ये रिएक्शन कहीं पे देखा है मेरे ख्याल से। हेलो एरिन मतलब क्या हो जाता है, क्लोरो बेंजीन। चलो, ये क्लोरो बेंजीन का रिएक्शन आपने अभी देखा है, याद है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक हेलाइड या हेलो एरिन्स, 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटीएम प्रेशर। तो दोस्तों ये फर्स्ट स्टेप था, उसके बाद यहाँ पे लिख के दिया था H+ सेकंड करके, याद है। तो ये याद नहीं है तो भी याद करवा देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, देखो नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है। इसमें से क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है आपका, H+ एंड NaO- बनेगा, और इसके अंदर से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, Cl- और बेंजीन प्लस। तो ये जो बेंजीन है वो प्लस बना, उसके साथ ONa जुड़ जाता है। हाँ, इसका नाम मैं बताऊँ आपको, बेंजीन रिंग पे OH फीन ऑल बोलते थे। अब क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ROH NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो ऐसे ही ये बनेगा सोडियम फीन ऑक्साइड। चलो, उसके बाद वो जो सेकंड स्टेप में यहाँ पे लिखा था एरो पे, वहाँ पे हमने H+ लिया था। फॉर H+ वी शुड टुक हियर HCl, यहाँ पे रिमूव होता है -HCl, याद रखना। पहले स्टेप में क्या रिमूव हुआ, -HCl। तो अब क्या होगा, देखो ये Na+ इजीली रिमूव हो जाता है, तो Na+ अगर H+ लिखा है, शुड देन यू शुड पुट हियर Na+, अगर आपने HCl लिया है तो NaCl इज रिमूव्ड। सो ओ अटैच विद द H एंड दिस इज योर फिनॉल। तो मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गया होगा कि भाई ये हेलो एरिन में से फिनॉल बनता है, और ये प्रोसेस जो है ना उसका एक स्पेसिफिक नाम है दोस्तों, डाउ प्रोसेस। इसको आप लोग ध्यान में रखना, इट इज कॉल्ड अ डाउ प्रोसेस। नंबर टू, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलो यस दोस्तों,
अगर आप देखोगे इधर कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड अगर आपको बनाना है तो उसका सल्फोनेशन करना होगा पहले। तो जनरली व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड? सर, सल्फोनिक एसिड मीन्स SO3H ग्रुप, SO3H ग्रुप इज अटैच ऑन द बेंजीन। अगर बेंजोइक एसिड होता तो बेंजीन रिंग पे COOH ग्रुप होता और यहाँ पे SO3H है। तो हम इधर क्या लेते हैं? ओलियम लेते हैं, या तो कंसंट्रेट H2SO4 एंड SO3। दोस्तों ये ओलियम बोला ना, सिर्फ ओलियम लिखा उसमें भी ये दोनों आ गए, माइनस पानी हुआ तो ही हमें मिल जाता है बेंजीन। सल्फोनिक एसिड, अब इसका रिएक्शन हम फिर से एक बार करते हैं NaOH के साथ। तो दोस्तों व्हाट हैपन हम सब लोग देख सकते हैं इधर, SO3 वो सब पूरा निकल जाता है दोस्तों। कैसे ये बता देता हूं मैं, और दूसरा प्रोसेस भी इसमें किया जाता है H+। तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे सीधा OH आ जाएगा, मतलब फिनॉल बन जाएगा। मतलब ये सल्फोनिक एसिड में बेस और ये एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन किया जाता है तो ये न्यूट्रलाइज होके ब्रेक हो जाता है और हमें क्या मिलता है, -NaHSO3। ये पहला वाला जो है ना, इसमें से देखो ये Na गया और उसी का ये एक H गया और ये पूरा SO3 चला गया, तो ये O बचा था वो और उसका H हमें क्या देता है, फिनॉल। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देख रहे हैं नंबर 3, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। दोस्तों आपको पता है व्हाट इज डाइजोनियम सॉल्ट? सर हमने देखा है कभी कभी सेंडमेयर नाम का एक रिएक्शन था, उसके अंदर N2+ एंड Cl- ऐसा कोई कंपाउंड हुआ करता था लास्ट चैप्टर में। इसके तो वाइड आप रिएक्शन भी पढ़ोगे फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए तो इसको याद ही रखना। ऐसा नाम क्यों दिया है, डाई मतलब दो, यहाँ पे क्या दो है, तो सर ये 2 है N। जो N होता है जब ऐसे कोई कंडीशन में होता है तो इट इज कॉल्ड एजो, डाई एजो। नियम क्यों लगाया, ईएम, क्योंकि उसके नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए उसको ईएम लगाया। जब पॉजिटिव चार्ज मिलता है, जैसे कार्बन पे पॉजिटिव कार्बोनियम, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव ऑक्सोनियम, ऐसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव अमोनियम, तो ऐसे होता है इसमें डाइएजोनियम, ऐसा वर्ड दिया है। तो ये डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है दोस्तों एनिलीन में से, किसमें से, एनिलीन में से। डाइएजोनियम सॉल्ट बनता कहाँ से है, एनिलीन में से। NaNO2+ HCl। दोस्तों
ये दोनों का रिएक्शन अगर आप करोगे 2 मोल करके, और 2 मोल HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, तब क्या होगा? तो योर नाइट्रोजन अटैच विद अनदर नाइट्रोजन विथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एंड Cl माइनस, उसी को ही हम ऐसे भी लिखते हैं, बेंजीन रिंग पर N2Cl। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हवे आ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड नी जल विभाजन नी प्रक्रिया, मतलब बोलते हैं इसको हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करेंगे हम विथ वाटर, वार्म वाटर लिखा है इधर, वार्म है ना। तो दोस्तों इसमें से आपको क्या मिलेगा? सर H प्लस एंड OH माइनस, और वही H प्लस और OH माइनस इसको ब्रेक कर करके देखो, वो H था प्लस वाला, वो Cl के साथ जुड़ के HCl, और ये बॉन्ड C और N का टूटेगा तो वो नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड वाला वो N2 के फॉर्म में चला जाएगा, और बेंजीन के रिंग पे जो खाली जगह बच गई इसमें से पानी का OH माइनस अटैच हो जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है? फिनॉल। नाम जो है उसको अच्छे से समझ के किया करो दोस्तों, तो आपको इजीली और मजा भी आ जाएगा, जल्दी से समझ में भी आ जाएगा, तो क्या है कि आपको दिक्कत ना हो ज्यादा। ओके है दोस्तों? हेलो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका? लेके ओके लिख लो। भाई ओके है ना? कहाँ गए सब? चलो वेरी गुड। अब देख रहे हैं बेटा हम नंबर 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्यूमीन प्रोसेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्यूमीन। जैसे एक प्रोसेस आया डाउ, दूसरा आया क्यूमीन, तीसरा आया डाइजोनियम सॉल्ट, तो ये तीन तो ऐसे ही नाम से चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज क्यूमीन? तो क्यूमीन एक ऐसा कंपाउंड है, देखो दोस्तों कैसा है, तो बेंजीन रिंग पर सी सी एच थ्री और सी एच थ्री एंड एच, तो ये हो जाता है बेंजीन रिंग पे 3 कार्बन है और बीच वाले कार्बन पे कुछ बेंजीन जुड़ा है, तो उसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इट इज योर क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। समझ में आया? नहीं आया क्या? चलो दोस्तों, इसीलिए हमने सबसे पहले इधर क्यूमीन लिया, सी एच थ्री और इधर H,
और उसका दूसरा नाम क्या लिखा हमने, किसी को याद है तो वो लिख सकता है। व्हाट इज द दूसरा नाम ऑफ क्यूमिन, जिसको याद है वो लिख ले फटाफट, जो पहले लिखेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। लिखना पड़ेगा इसमें, नहीं चाहिए। ओके, ओ रमिक थोड़ा सा लेट हो गया। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, लेकिन तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, बाकी के बच्चे सिर्फ बेचारे देखते रह जाएंगे। अब देखो, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाता है। हाँ, इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मतलब उसको ऑक्सीडाइज किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या किया हमने, ऑक्सीडाइज। तो देखो ये क्या होता है, मैं बहुत सी चीज़ इजीली बता रहा हूँ आपको, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये ऑक्सीजन क्यूमिन में किधर कौन सी पोजीशन पे अरेंज होता है, वो देख सकते हो आप लोग। चलो इधर क्या होगा, ओ ओ एंड एच, घबरा गए आप लोग, हाँ घबरा गए क्या, नहीं घबराना है। ये ओ ओ जो बन गया उसको हम पेरोक्साइड बोलते हैं, याद है आपको। कि नहीं है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप हमारा पेरोक्साइड बोला जाता है। अब इसका नाम कैसे किया जाता है, मैं सिर्फ रफ वर्क के लिए लिख रहा हूं, सॉरी। चलो दिखाई दे रहा है ये राइट हैंड साइड पे आपको, मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूं उसका नाम फटाफट से आपको लिखना है। चलो इसका नाम क्या होगा, उर्मिक के अलावा जो भी बच्चे जीवित अवस्था में हैं वो इसका नाम देंगे। चलो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो इट इज H2O2, और इसको आप लोग बोलते थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये दो हाइड्रोजन छे और दूसरा इधर जो O2 है वो पेर में है, इसलिए पेर ऑक्साइड इसका नाम है। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसको आप लोग क्यूमिन के साथ कंपेयर करो, तो जो मैं सर्कल में किया हाइड्रोजन है उसकी जगह यहाँ पे क्या है, सर यहाँ पे बेंजीन पे CH2 और CH3 है, इसका क्या मीनिंग होगा, वो क्यूमिन है। तो हम उसको बोलते हैं क्यूमिन, एक साइड पे है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हाइड्रोजन है, क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड। दोस्तों समझ में आया, जैसे इसको दोनों हाइड्रोजन थे तो हम क्या बोलते थे इसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पे एक साइड हाइड्रोजन है और एक साइड क्यूमिन है, तो इसको क्या बोलोगे, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। और कुछ भी नहीं किया हमने, इसको तोड़ दिया एसिड के प्रेजेंस में, तो टेंशन भी नहीं लेना है ज़्यादा। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो देखो क्या होता है, ये पेरोक्साइड वाला ओ और ये बेंजीन रिंग का जो कार्बन है वो, और वो प्रोपाइल के कार्बन का वो टूट के हमें क्या मिलता है,
चलो तो फिर ये OH माइनस जो बन रहा था टूट के, वो बेंजीन रिंग पे सीधा अटैच हो जाता है। देखा ना एरो कहाँ पे दिखाया है, आप लोग अलग पेन लेके भी उसको ऐसे समझ सकते हैं। अब देखो क्या बचा, ये CH3 तो है ही, उसके साथ CHC और सामने CH3, ये O सिंगल बॉन्ड से आया इधर, ओके बाकी सब टूट गया। एक चीज आपको पता है, अगल बगल के कार्बन और हेलो ऑक्सीजन से कुछ रिमूव होता है तो वो दोनों के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म होता है, और इसीलिए ये हो गया आपका प्रोपेनॉन। और ये क्या है, फिनॉल। क्या है दोस्तों, ये फिनॉल। प्रोपेनॉन का दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है एसीट ऑन एसीटोन बाई प्रोडक्ट, लार्ज क्वांटिटी इन दिस मेथड। एक चीज याद रख लेना दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल किससे होता है, इसी से ही होता है। वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल इसी से होता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा प्रोसेस। देखा ना आपने, ऑक्सीजन एयर में से लेके सीधा HCl डाल दो तो आपको फिनॉल मिल जाता है, तो ये भी बढ़िया सा और इजी रिएक्शन है आपके लिए दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। जाए क्या आगे, कोई बात नहीं, नहीं जाना है तो यहाँ पे ही रुक जाते हैं। इंटेक्स 11.4 शो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द सूटेबल ग्रिगनार्ड रिएक्शन। भाई मैं आपको बता दूं क्या, कुछ सीधी सी बात है, CH3 CH CH3 CH2OH, ये अल्कोहल दिया है, और ऐसा कौन सा सूटेबल आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट लोगे तो आपको ये अल्कोहल मिलेगा, ऐसा पूछा है। बहुत बहुत लॉजिकल है, सीधा सा प्रोडक्ट दे दिया है और पूछा है कि इसके अंदर जो RMGX होगा वो R कौन होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान में रखना है आपको। अगर इस चीज को आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको एक चीज पहले समझनी होगी कि ये अल्कोहल भले ही कुछ भी है तो OH कंटेनिंग कार्बन अटैच विद अनदर वन कार्बन, इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। और आपको शायद पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हमारा जो रॉ मटेरियल है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ किसकी रिएक्शन की जाती है। चलो बेटा आप लोगों को आंसर देना है इसको, क्योंकि ये अगर आता है तो आपका आंसर मिल जाएगा और आपको ये आना ही चाहिए। मैं जो पूछ रहा हूं ऐसा आपको सोचना चाहिए, यही चीज आपको सोचनी है जब आप प्रिपरेशन करते हो, और उल्टा सोच के इसका आंसर लाना है। तो चलो 1 डिग्री है तो बताओ बेटा जल्दी से कि क्या लेना होगा आपको। कल के लेक्चर में हमने देखा था वो लास्ट वाले टॉपिक पे।
नो वन कैन गिव आंसर. हिट, जेनिल, नैतिक, जिया, शाहीन, श्रेय, उपल. बेटा आपको पता नहीं है किसी को? अगर नहीं पता है तो नो बोलो, तो मुझे भी तो पता चले कि मुझे कैसे समझाना है आपको. चलो बोलो यस और नो. डू यू नो? उपल नो, वत्सल नो, नो नो. तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बेटा. लेकिन आप बताओगे नहीं तो टाइम वेस्ट होगा हम सबका. मैं रिवर्स जा रहा हूँ. यहाँ पे ये पेज पे हमने कुछ लिखा है, ये वाला, ये कुछ लिखा है. देखो, इफ वी वॉन्ट फॉर्मल्डिहाइड, अरे इफ वी वॉन्ट 1 डिग्री अल्कोहल वी मस्ट यूज फॉर्मल्डिहाइड. इफ 2 डिग्री अल्कोहल अधर देन फॉर्मल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड कैन गिव द 2 डिग्री अल्कोहल. एंड इफ वी वॉन्ट 3 डिग्री अल्कोहल देन वी मस्ट यूज कीटोन. और इसका डिटेल में यहाँ पे चर्चा की थी. देखो इधर, ये पहला वाला था आपका रिएक्शन, उसके अंदर आपने क्या लिया सर? फॉर्मल्डिहाइड लिया. तो आपको क्या मिला दोस्तों? 1 डिग्री अल्कोहल मिला. याद आया? अगर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड लिया तो आपको कैसा मिला? 2 डिग्री अल्कोहल. और कीटोन लिया तो आपने, तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिला. इसका प्रिपरेशन जिस दिन कर रहे हैं, पढ़ रहे हो, उसी दिन किया करो दोस्तों. टाइम निकाल के आधा घंटा, 1 घंटा, ज़्यादा नहीं इतना ही, तो आपको ये समझ में आएगा. अदरवाइज नेक्स्ट डे इट विल न्यू फॉर यू. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी मस्ट यूज ओनली फॉर्मल्डिहाइड हियर बिकॉज हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिला है. अगर 2 डिग्री मिला होता तो हमें सोचना पड़ता कि हमें क्या लेना है. और दोस्तों ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है. और आप सीधा सा अगर उसका आंसर चाहते हो तो आपका फॉर्मल्डिहाइड था ना ये CH2OH, इज डायरेक्टली कन्वर्ट इंटू CH2OH. तो बाकी का कौन हो सकता है? ये जो दिख रहा है आपको, दैट इज योर R. इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैं आपको इसका प्रिपरेशन करके दिखाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा. CH3CH CH3-MgBr, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है अपना. और ये हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये माइनस बनेगा. माइनस इज गोज टुवर्ड द कार्बन, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा वाली स्कीम. सो फाइनली वी गेट CH3CH CH3, है ना. और यहाँ पे क्या हुआ? नहीं ऐसे नहीं आएगा. एक मिनट, हमें इसको तो पूंछ पे अटैच करना है ना. चलो देख लो इधर, हमारा ये H और H इधर ही था. यहाँ पे इसने अटैक किया है, इसने CH ने, तो इधर दोनों जगह CH3 आ जाएगा. और ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन वाला, वो ऑक्सीजन माइनस बनाएगा, तो वो MgBr बनेगा. और उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो टूट के CH CH3 and CH3 OH बनेगा. तो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ क्या वो यही है, ये देखना है आपको. तो आप स्ट्रक्चर बनाने का स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ से. अगर आपको ये थोड़ा सा फास्ट लगा हो तो आपको इसके आगे वाला वीडियो देखना चाहिए दोस्तों. तो सेम आ गया ना पहले जैसा ही. तो ये पूरा रिएक्शन ऐसे किया जाता है. इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड. तो बच्चों ये आंसर समझ में आया? आ गया है? और आ गया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो दोस्तों.
क्योंकि हम इसके बाद 11 पॉइंट सॉरी ये जो दिखाया है ना अभी आपको 2 नंबर का, वो भी मैं करवाना चाहता हूँ आपको सिर्फ इनिशियली, या तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो इधर ये सेकंड वाला ये है, आपको ये पूछा है, देखो CH2OH, ये भी 1 डिग्री ही है। OH कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ अनदर 1 कार्बन, चलो ओके, तो ये भी 1 डिग्री है सर। अगर ये 1 डिग्री है तो ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्जन, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो सर ये साइक्लोहेक्सेन के साथ MgX कोई भी ले लो, उसका रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करोगे तो ये मिल जाएगा। यह बच्चों समझ में आया? तो इसी से आपको रिएक्शन अपना कंप्लीट करना है प्रैक्टिस वर्क के अंदर, मैंने ये आपको हिंट दे दी। बच्चों समझ में आया? आप लोग बोलते नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा है। ओके बेटा चलो, तो ये कर लेना खुद। अब हम देख रहे हैं 11.5, क्या होता है 11.5 में, देखो तो कि भाई आपको ये पूछा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। भाई आपको प्रोपीन दिया हुआ है, CH3CH CH3 डबल बॉन्ड है, और पानी डाल के H+ दिया, तो ये तो आपका हो गया एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। समझ में आया? ये पहला वाला रिएक्शन क्या है, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। तो इसमें से एच और ओ एच बनेगा, और ये ओ एच जो है वो मार्कोवनिकोफ का रिएक्शन होता है, और ये लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ जुड़ता है, इसीलिए यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे CH3। मैंने बोल दिया तो आपने मान लिया, ऐसा कभी मत करना। इसको आप उल्टा सोच के टेक्स्ट बुक को फोड़ो फेंदो और उसको निकालो बुक में से कि इज इट राइट सर ने जो बताया वो रियली। दोस्तों अगर ऐसा नहीं करोगे तो बहुत बहुत पछताओगे। आगे देखते हैं नंबर 2, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो दोस्तों NaBH4 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो इसको क्या करेगा, रिड्यूस ही करेगा ना। अगर वो इसको रिड्यूस करता है तो 2 फंक्शनल ग्रुप है आपके पास इधर है सर, हमें तो पता ही नहीं 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो बताते हैं ना हम। एक तो ये है और एक ये है, ये 2 फंक्शनल ग्रुप में मैं अगर पूछूं आपको कि इसका क्या नाम है दोस्तों इसका क्या नाम है, ये है कीटोन। तो इसका क्या नाम है सर, ईस्टर, क्योंकि COO ग्रुप है, तो ये 2 चीज पता होनी चाहिए, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये दोनों का रिडक्शन करेगा। लेकिन NaBH4 किसका रिडक्शन करता है, ये कीटोन का कि ईस्टर का, वो मैं आपको पूछूंगा तो आप लोग मेरा टाइम वेस्ट करवाओगे, इसीलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप छोड़ो
वो कीटोन का ही रिडक्शन करेगा, क्योंकि अगर एस्टर का करना है ना तो इतने NaBH4 वगैरह की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वो मेटल से ही रिएक्ट कर लेता है। फिर भी एक बार बता देता हूँ, तो आपका जो भ्रम है कि हमने ये पढ़ा नहीं है ऐसा, वो आपके दिमाग में से निकल जाए। ये लास्ट वाला, इसके अंदर ये इस्टर था, इस्टर का H2 और कैटालिस्ट लेके आप रिडक्शन करते हो, लेकिन ये कीटोन है, ये CO वाला, तो इसका NaBH4 लिया जाता है और वो CO का CHOH में कन्वर्जन होता है। आपने ये देखा, समझा, तो समझ में आ गया समझो। और इसीलिए ये रिएक्शन के अंदर आपका इस्टर जो है वो तो एज इट इज रहता है, लेकिन आपका CO का कन्वर्जन CHOH में हो गया, ओ CH3 बनेगा। तो दोस्तों ये क्या हुआ, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट हुआ। अब दोस्तों नंबर 3 के अंदर कोई पूछेगा आपको, CH3 CH2 CH3 CHO अगर होगा तो वो भी CHO को CH2OH में कन्वर्ट करता था, और इसका फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH2OH। तो इसका मीनिंग ही ये हो जाएगा कि भाई ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना। बच्चों समझ में आया है ना? अब फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं फटाफट रीड करके, क्योंकि इसको ओमिट किया हुआ टॉपिक है तो ध्यान में रखना है। अल्कोहल एंड फिनॉल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। देखो दोस्तों, अल्कोहल में ऐसा, फिनॉल में ऐसा, है ना? देखो, एन अल्काइल और एराइल ग्रुप एंड अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये क्या है अल्काइल, और ये क्या है एराइल, और ये दोनों में ये क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर चीफली ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। द नेचर ऑफ अल्काइल एंड एराइल ग्रुप सिंपली मॉडिफाइड दिस प्रॉपर्टी। जनरली दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होगी, कुछ अलग प्रॉपर्टी है तो उसका रीजन कौन है, अल्काइल एंड एराइल। बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विद इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे, CH3OH, CH2OH, तो ये क्या हो रहा है, इधर सब लोचा हो रहा है सर, ऐसा लग रहा है हमें, लोचा है चिपक जाता है एक दूसरे के साथ। इधर CH3OH CH3OH, तो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे कार्बन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, क्योंकि उनका वंडरवाल्स फोर्स इंक्रीज होता है, ये रीजन ध्यान में रखना। अल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज द ब्रांच, तो हम बोलेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द वांडरवाल्स फोर्स, बस एक ही चीज है, सरफेस एरिया। द OH ग्रुप नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3, नंबर ऑफ OH इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, जैसे कि CH3OH,
CH3CH2OH is less than CH2CH2OHOH CH2CH2OHOH and OH. क्या मीनिंग हो जाता है सबका, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, जैसे जैसे नंबर ऑफ OH इंक्रीज वैसे वैसे क्या होगा, इंक्रीज हुआ, यस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज. दूसरी चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड बताया है ROH, ये कौन है, अल्कोहल, और ये दूसरा अल्कोहल. एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक अल्कोहल का O माइनस डेल्टा और उसका प्लस डेल्टा, तो दे गिव्स H बॉन्ड. तो ये हो गया दूसरा अल्कोहल, ऐसे ही भी जो तो बना दिया, लेकिन अल्कोहल जो है वैसे फिनॉल भी अपने ही मॉलिक्यूल के साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है. तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. द इंटरेस्टिंग नोटिस नॉट दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर एयर कंपेरेटिव अदर क्लासेस. ये सब में अल्कोहल और फिनॉल के हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन. ओके, इथेनॉल एंड प्रोपेन हैव अ कंपेरेबल मोलिकुलर मास बट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट. देखो कंपेरेबल मोलिकुलर मास होंगे तो भी अल्कोहल के ज्यादा हो जाएंगे, बट देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सी मिथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ द टू बॉइलिंग पॉइंट्स. अल्कोहल गिव्स इथर गिव्स हाइड्रोकार्बन, ऐसा ये समझाना चाहता है. आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखो इसका मोलिकुलर मास 46, इथेनॉल मिथॉक्सी मिथेन का 46, प्रोपेन का 44, तो कंपेरेबल मास है. तो बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हो इथेनॉल का 351, ईथर का देखो कितना है 248, और प्रोपेन का देखो कितना है 231. मतलब क्या हुआ ये, यस इट इज कॉल्ड दिस. तो हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम विच इज लैकिंग इन इथर एंड हाइड्रोकार्बन. उसके बाद लास्ट टॉपिक आ रहा है सॉल्युबिलिटी. क्या बताओगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर इज हायर, क्योंकि योर अल्कोहल गिव्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, तो इसकी सॉल्युबिलिटी तो अच्छी होगी. सिमिलरली फिनॉल ऑल्सो मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. समझ में आ रहा है, तो ये इसीलिए ये दोनों पानी में अच्छे से सॉल्युबल. द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द साइज. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं CH3OH इज ग्रेटर देन CH3CH2OH इज ग्रेटर देन CH2CH2OH. तो दोस्तों जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है. सेवरल ऑफ द लोअर मोलिकुलर मास अल्कोहल आर मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन. यस, जो अल्कोहल होते हैं वो अच्छे से मिसिबल होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में. ऐसे ही यहाँ आपको एग्जांपल 11.33 दिया हुआ है. अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपेयर कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट. तो आप सब कुछ खुद इसको ट्राई करो, क्या करना है, दो तीन चीज़ें बॉइलिंग पॉइंट के लिए ध्यान में रखनी है.
जो हमने बताई वो ये वाली, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए 1, 2, 3, 4 मतलब 4 एंड 5 इतनी चीज़ें ध्यान में रखोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। एक करवा लेता हूँ, चलो मेरा मन नहीं करता है आपको खुद करवाने के लिए, तो हम कर लेते हैं एक फर्स्ट वन ही कर लेते हैं, दूसरा वन आपको करना है। पेंटेन वन ऑल है, 1, 2, 3, 4, 5 ओ एच। ब्यूटेन वन ऑल है, 1, 2, 3, 4 ओ एच। ब्यूटेन टू ऑल है, 1, 2, 3, 4 और ओ एच। इथेनॉल है, CH3, CH2 ओ एच। प्रोपेन वन ऑल है, 3 OH। और एक लास्ट कौन है, मिथेनॉल है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो जिसके नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा तो यही होगा। चलो हम बोलते हैं इसको नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव एंड नंबर सिक्स। वन इज ग्रेटर देन, अब देखो चार कार्बन वाले ये दो हो गए, तो इसमें किसका ज़्यादा होगा, तो सर 1 डिग्री का ज़्यादा होगा क्योंकि ये ब्रांच में आ गया। वन इज ग्रेटर देन, टू इज ग्रेटर देन थ्री। चलो फिर ये दो कार्बन, सॉरी ये तीन कार्बन वाला है, इज ग्रेटर देन फाइव, इज ग्रेटर देन कौन, आई वी मतलब फोर, इज ग्रेटर देन वी आई मतलब सिक्स। दिस इज योर आंसर। वो चार बातें आप ध्यान में रखोगे तो आपको इजीली इसका समझ में आ जाएगा। ये नंबर वन है एग्जांपल 11.3 का नंबर वन, और उसका टू देखना है तो पेंटेन वन ऑल वापस 1, 2, 3, 4, 5 वन ऑल पहले पे ओ एच। एन ब्यूटेन 1, 2, 3, 4 ओनली ब्यूटेन है। पेंटेन आल 1, 2, 3, 4, 5 आल, आल मतलब सी एच ओ। एंड लास्ट इथॉक्सी इथेन मतलब 1, 2, 3, 4 तो ये इथर हो गया। तो दोस्तों अल्कोहल नंबर वन, अल्केन नंबर टू, एल्डिहाइड नंबर थ्री, इथर नंबर फोर। तो ये अल्कोहल सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है इसका, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, ईथर, तो इसके अंदर कौन क्या बॉन्ड बना, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें ओनली वांडर वाल्स फोर्स, और एल्डिहाइड के अंदर क्या होगा, पोलर बॉन्ड, और ये वीक पोलर। तो दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू पोलर बॉन्ड, कंपेयर टू वीक पोलर बॉन्ड, कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो आंसर है आपको ये मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपकी प्रेजेंस ले लेनी है अभी दोस्तों, एक मिनट वेट करना। थैंक यू दोस्तों।